हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी आइसक्रीम बनाना, और सिर्फ 10 रुपये की डेयरी मिल्क ली है और उससे हम बनाएंगे 80 रुपये वाले 2 गिलास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं आपका। तो करते हैं स्टार्ट। 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये की आइसक्रीम से हम बनाएंगे 4 लोगों के लिए आइसक्रीम। करते हैं स्टार्ट। तो जी देखिए, ये है वो आइसक्रीम जिसकी रेसिपी आज आप सब देखेंगे। देखिए, इसे हमने हाफ हाफ करके खाया था, 4 लोगों के लिए आइसक्रीम है। और इसके लिए सबसे पहले लिया है 10 रुपये की डेयरी मिल्क ली है, और सिर्फ 1 चम्मच चीनी का यूज़ होगा। और ये मलाई नाना, 1 कटोरी मलाई नहीं चाहिए, ये तो आज की फ्रेश मलाई है। और ये है 250 ml दूध, यानी कि 250 ml दूध है। इसको मैंने फ्राई पैन में गरम करने के लिए गैस ऑन मैंने कर दी है, और ये 1 चम्मच चीनी इसमें डाल दी गई है। ठीक है जी, अब देखिए, अब अपनी चॉकलेट को हम रैपर से अलग कर देते हैं। देखिए, गर्मी इतनी है कि फ्रीजर में से ही निकाली है तुरंत। देखिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर कितनी मेल्ट हो गई है ये। और इसको अपने जब हमारा दूध गुनगुना हो जाए ना, तो उसमें डाल देना है, फिर गैस की फ्लेम को तेज कर देना है और इसको अच्छे से मिला देना है। देखिए, इसको मैंने 5 मिनट खूब उबाल लगवाया है। जब आपका आधा दूध रह जाए तो इसमें आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो इसके अंदर डालें। मेरे पास काजू ही थे, बादाम हमारे ख़त्म हो गए थे। अब देखिए, जो मलाई में जो एक्स्ट्रा दूध होता है ना, और वो डाल दिया है, और 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने मलाई डाली है, बिल्कुल ताज़ी मलाई, ठंडी। ठीक है जी, अब आगे देखिए मैंने क्या किया है। देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी 1/3 होनी चाहिए, जितना आपका दूध था उसके हिसाब से। उसके बाद मैंने पानी ले लिया है एक बड़े से बर्तन में, और इसको ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर इसको लेके आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये ग्लास है, ये आइसक्रीम के ग्लास है, इसमें हम आइसक्रीम लेके आए थे। आपने हमारे लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो पता होगा आपको, उसी के अंदर ये ग्लास मैंने फेंके नहीं थे, इन्हें साफ़ करके इसी चीज़ के लिए रखा था। देखिए, अब मैंने ये डाल दिया है, और बच भी गया था हमारा बैटर, बाकी को मैंने कटोरी में भी जमाया था। आप देख रहे हैं, सिर्फ 250 ml दूध से हम कितनी आइसक्रीम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं फॉइल पेपर से इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरह से, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी जमती है, एकदम सख्त, बढ़िया एकदम। और देखिए, दूसरे ग्लास को भी मैं इसी तरह से कवर कर देती हूँ। और मेरे पास एक आइसक्रीम स्टिक थी, तो मैं पहले तो इसको रबड़ से कवर कर देते हैं, और आइसक्रीम स्टिक मेरे पास एक ही थी तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। और दूसरे में मैंने चम्मच लगा दिया था। देखिए, मैंने ना आइसक्रीम स्टिक को मैंने पहले चक्कू से छेद नहीं किया, इसके अंदर मैंने सीधा डायरेक्ट स्टिक डाली, तो इससे ज़्यादा छेद हो गया। तो इस स्टिक को मैं अब कर दूंगी चेंज। दूसरे में मैंने चाकू से लगाया, देखिए बिल्कुल नहीं हवा क्रॉस हो रही। और दूसरे में मैंने चम्मच डाल दिया था, इसे मैं निकाल दूंगी। इसके बाद देखिए, हमारा रेडी हो चुका है आइसक्रीम ग्लासेस, इन्हें हम रखेंगे अपने फ्रीज़र में। और देखिए, ये ढक्कन मैं इस पर कवर कर देती हूँ, जिसमें मुझसे ज़्यादा छेद हो गया था। ठीक है जी, अब चलते हैं फ्रिज में, अपनी आइसक्रीम को रख देते हैं। सारी रात के लिए मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था, अब इन्हें देखेंगे हम मॉर्निंग में। चलिए, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। अब देखिए जी, है मॉर्निंग का टाइम, और हमारी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। और देखिए, सभी एक्साइटेड हैं आइसक्रीम, स्पेशली अविका इज़ वेरी एक्साइटेड टू ईट आइसक्रीम। अब देखिए, मैं इसे निकाल देती हूँ, और आप इंजॉय कीजिए आइसक्रीम का। अब मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को, इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ओके जी, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...
टेस्टी। और आप लोगों को अच्छी लगे तो ट्राई करें घर पे, और ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।